जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार का जो रवैया है, क्या इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानी ही मेरी बपौती है, राजनीति मेरी बपौती नहीं है। सबसे पहले जब मेरा जो धरोहर है, जिससे मैं जाना जाता हूं, जिससे ये देश जाना जाता है, जिनके बदौलत, अन्नदाताओं के बदौलत ये कृषि प्रधान देश है, पूरी दुनिया जानती है भारतवर्ष, और यहाँ के लोग जो कृषक हैं, अन्नदाता हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आ जाए तो हम एक किसान हैं तो हम जरूर अपने किसान भाइयों के लिए हक की बात रखने का हक रखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि किसान बिल को लेकर के सरकार ये कह रही है कि किसानों का इससे बड़ा फायदा होगा, देश के किसान तरक्की करेंगे, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे किसान नेता हैं, जो सिर्फ किसानों के ही हित की बात करते हों, किसानों के लिए ही लड़ाई लड़ते चले आ रहे हों, लेकिन उनकी नज़र में कहीं ना कहीं इस बिल में खोट आ रहा है, तो मैं कहता हूं कि देश की सरकार इस बात को लेकर वचनबद्ध है, देश के सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, किसानों को उन्नतशील बनाएंगे, किसानों की तरक्की करेंगे। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें आ गई हैं किसानों के मन में, जो हमारे हरियाणा के, पंजाब के या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबल किसान हैं, सशक्त किसान हैं, बिल्कुल किसानों के नेता हैं, जो किसान की अगुवाई कर रहे हैं, राजनीति से परे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचे कि इस बिल में कहीं ना कहीं किसानों का हित नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सन 2014 में किसान मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश में या देश में एनडीए की सरकार बनी, अच्छी सरकार बनी, तो जनता वैसे खुश, अच्छा किया जो भी किया आपने, 2019 का चुनाव आया पार्लियामेंट का, फिर उससे प्रचंड बहुमत दिया देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, हर प्रांतों की जनता ने, तो जनता कहीं ना कहीं खुश थी, किसान भी खुश थे। आज अचानक बिल आ गया तो जनता नाराज, वही जिसने खुश किया वही आज नाराज है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर इस बिल में कहीं ना कहीं खोट है और किसान विरोध कर रहा है, तो उस पर अमल सरकार को करनी चाहिए कि किसानों को बैठा करके ये दिखा दें कि इसमें क्या विसंगति है, आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। कई मरतबा सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से बैठक हुई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, फिर बीच में अब तक आंदोलन चल रहा है। तो मैं एक के बात कहना चाहता हूं किसान होने के नाते, कि अगर हमको जो चीजें नहीं चाहिए, हम आपसे वैसे भी खुश हैं, आपको सरकार में ला रहे हैं, दूना ला रहे हैं, चौगुना ला रहे हैं, तो फिर आप जबरदस्ती मुझे क्यों दे रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम आपसे खुश हैं, हम उस बिल से ही खुश हैं, पुराने वाले नए बिल से खुश नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो। अब शंका इसलिए आ रही है किसानों को कि जो भारत के उद्योगपति हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, तो पानीपत से लेकर के और आपके गुजरात तक के बड़े बड़े गोडाउन 5,000 एकड़ में पहले से कैसे बना लिए, ये किसके लिए बनाए इन लोगों ने। तो इससे शंका लग रहा है कि किसानों की जमीन लीज पर ली जाएगी, किसानों को बंधक बनाया जाएगा, कि आने वाले दिन में किसान बंधक बन जाएंगे, बगैर उनकी मर्जी के ना उनका कोई खरीदार रहेगा, ना कोई बेचने वाला, कोई लेने वाला, ना कोई पूछने वाला। तो इससे शंका लगता है कि जब देश की जनता, प्रदेश की जनता, देश के किसान, प्रदेश के किसान, गांव के किसान एनडीए सरकार से खुश होकर के उनके बहुमत पर बहुमत बढ़ाए जा रहे हैं, तो जबरदस्ती हम नहीं चाहते, हम वैसे भी खुश हैं, तो आप हमारे ऊपर क्यों मार रहे हो, हमको नहीं चाहिए मुस्लिम खुश हैं, तो आप क्यों दे रहे हैं, हमको नहीं तरक्की चाहिए उस बिल से, आप मत दीजिए, वापस ले लीजिए, क्या दिक्कत है, हमको नहीं चाहिए। सरकार की नीयत में खोट है। तो हमें लगता है कि 125 करोड़ बनाम चार वाली सरकार है, कि चार उद्योगपति नाराज ना हो, जनता किसान नाराज हो जाए तो कोई वादा नहीं है, उनको जैसे कैसे करके मतलब बहला फुसला करके तो सरकार बनाई लेंगे, ये नियत आ रही है। तो हमें ये नहीं, हम किसान हैं, मुझे टिकट की, राजनीति की कोई बपौती नहीं है, जो अच्छा लगेगा देगा, जो नहीं अच्छा लगेगा, जनता देती है, जनता जिताती है, तो जनता के लिए मैं कटिबद्ध हूं, जनता की बात रखूंगा, मैं किसान हूं। और किसान जो नहीं है वो क्या जाने, अडानी अंबानी क्या जाने, किसको ठेहरी कहते हैं, किसको हराई कहते हैं, किसको जांघा कहते, किसको खोपी कहते, किसको सहिला कहते, किसको फार कहते, किसको मिस्टरी कहते, किसको बांध कहते, उनको क्या पता है। लेकिन अमर सिंह को इसलिए पता है कि चौधरी अमर सिंह एक किसान है, किसान के बेटे हैं, किसानी मेरी बपौती है, किसानों के साथ मैं रहूंगा, टिकट मिले चाहे ना मिले, राजनीति में रहूं चाहे ना रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। सुनने के लिए शुक्रिया।
पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।